अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू अ न्यू वीडियो फ्रॉम पनवेल। दोस्तों आज हमें काफ़ी नायाब शौक देखने वाले हैं, आपको काफ़ी मज़ा आएगा इंशाल्लाह। सो आइए सबसे पहले जानते हैं हम कहाँ पर हैं। अस्सलामुअलैकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम आसिम भाई। भाई कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सो लास्ट टाइम हमने आपका वीडियो बनाया था जिसमें जिंग देखे थे पनवेल में, आज आप हमें कहाँ पर लाए थोड़ा प्लीज़ बताइए। आसिम भाई, ये हम आए अभी पटेल मोहल्ले में जी, सुवेडे पे इनके घर पे आए। माशाल्लाह, ये जब से मैं छोटा था तब से देख रहा हूँ कि ये शौक कर रहे हैं जानवरों का। सही है। पतिरा का, हंसा का, यानी बड़े बड़े शौक कर रहे हैं, दुम्बे के जी। तो अभी उन्हीं के घर पे आए हम। तो आपके लिए तो एक बहुत मोटिवेशनल जगह होगी ये, क्योंकि आपने देख के सीखा है माशाल्लाह। हमने इनसे सीखा है, ये कैसे हमारे उस्ताद है जी माशाल्लाह जी, इनसे हम सीखे शौक करना। सही है। तो आ नहीं रहे वीडियो में देन, बट उनके बेटे आ रहे हैं। उनके बेटे आसिल जी। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप भाई? काफ़ी अच्छा लगा, मतलब मैं वीडियो तो अभी स्टार्ट कर रहा हूँ, लेकिन एक आप लोगों का काम देखकर घर के अंदर एक शौक देख के काफ़ी खुशी हुई। मैं थोड़ी बातें जानना चाहता हूँ कि शौक अब्बा को तो आप बचपन से देखते आ रहे होंगे, तो कौन से बकरों में ज़्यादा शौक रहा है? पतिरा। हम लोग जानवर तो देखेंगे ही, पर जैसे मैं कुछ शौक की बातें कर रहा हूँ, आप जिन्हें जैसा बताया कि भाई का शौक आप जब बहुत छोटे थे जब से देख रहे हैं, तो कौन कौन सी नस्लों में काम हुआ है इनका? सिम्बा, इनका बैंटम में भी हुआ है जी, और दुम्बे में भी हुआ है, और पतिराम। लेकिन जो भी शौक हुआ है बहुत आला आला नस्ल के जानवर रखते हैं माशाल्लाह। मैं तो बचपन में छोटा था जी, कभी हम देखने आते थे इनके जानवर। सही है। इन्हीं से हमको भी शौक लग गया बैंटम का। और बहुत बड़ी बात है कि परमिशन भी मिलती है देखने की जी जी। बाज मरतबा जो मैं देखा हूँ आने नहीं देते हैं। आने नहीं देते। आप लोगों को कभी कोई तकलीफ तो नहीं होती कि बहुत जन आते हैं देखने के लिए? नहीं। यू वेलकम एवरीवन जी। माशाल्लाह। सो ये जो बकरा है आपके पीछे, मैं चाहूँगा कि उसको निकाला जाए एंड उसके बारे में कुछ जानेंगे आपसे कि कितना छोटा आया था, नस्ल वगैरह के बारे में। ठीक है, सो बकरे को बाहर निकालते हैं। अस्सलामुअलैकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। सो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतना बेहतरीन शौक आपका हमारे साथ और हमारे पूरे व्यूवर्स के साथ शेयर किया। ये बकरे के बारे में जानना चाहूँगा भाई आपसे, ये आप कब लाए थे और इसकी क्या हिस्ट्री है, क्या डिटेल्स है इसकी? दो साल पहले जी मैं छोटे बच्चे लाया था जी, जिसमें कि इसके साथ पठिया भी थी जो मर गई जी। तब से मैंने इसको पाला हूँ। वो दोस्त साहब आपके पास एक घुमा और दोबारा मेरे पास आया। ओके। तो दोस्त साहब आपके पास एक घुमा, ओके, दोबारा मेरे पास और वापिस आपके पास में आया, तो ये कितना बड़ा था, इसकी उम्र क्या थी? बड़ा था, 2 ईयर्स प्लस। अच्छा, 2 साल से। ओके, मतलब ओवरऑल यही कंडीशन में था। ओवरऑल यही कंडीशन। सही। ये नस्ल आप क्या बोलेंगे, प्योर पतिरा है या पतिरा क्रॉस? ओके, तो इसमें हंसा मदर है, कैसा है इसमें? इसकी मदर हंसा थी जी, और पतिरा मेन था। बहुत ही नायाब बकरा। मैं तो क्लोज व्यू देना चाहूँगा लोगों को, आप इसका पूरा चेहरा चेक करें, माशाल्लाह फुल गुलाबी बच्चा है माशाल्लाह। ये हम देखें आप, कानों की लेंथ माशाल्लाह। अभी ये दांतों में तो पूरा है, 8 दांत पे। ये पतिरा की जो झालर आती है पीछे, जो बात, सॉरी हंसा की, हंसा की वो देखने मिल रही। तो हंसा का इसमें ज्यादातर जो बाल है, बैक जो है, बैक है, बाल जो है वो हंसा के, हंसा के। इसके रिजल्ट भी हैं, रिजल्ट बहुत अच्छे हैं, जिसका एक रिजल्ट मेरे पास है, अगर आप ये बताएंगे तो उसके साथ में उसका रिजल्ट बताऊं। सही है। तो यहाँ पर जो एक रिजल्ट है वो दिखा देते हैं, पर इसके अलावा भी काफी सारे रिजल्ट्स हैं। और मैंने ये बहुत दोस्त है, बाद में बहुत लोगों को ये ब्रीडिंग को दिया जी, और अभी भी देता हूँ माशाल्लाह। झालर गला पट्टी भी चेक कर सकते हैं आप, जो ऐसी स्ट्रेच करके बताते ना जी, वो नहीं बताऊंगा, जैसी है ना, जैसी विजिबल है वैसे। सही है, उसको स्ट्रेच करके नहीं बताना। चेहरे पे आप जो रिंकल्स भी चेक करें, जो एक काफ़ी अच्छी चीज़ होती है एक ब्रीडर में। तो इसका रिज़ल्ट अभी दिखा देते हैं हम जी, बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल दिखा देते इंशाल्लाह। सो दोस्तों रिज़ल्ट आपके सामने है माशाल्लाह, फुल राउंड फेस नर मॉडल का बच्चा आपके सामने है। सो इसकी जो मदर है वो कौन सी नस्ल की? हाइट पैटी हो, तो इसके लिए आईज भी वाइट आ गई है माशाल्लाह, क्योंकि जो आपका मेन ब्रीडर है इसकी नॉर्मल आईज है। सही है। और ये व्हाइट आईज में आ गया, इसका भी क्लोज व्यू देता हूँ आपको मैं। चेहरा देखिए आप, चेहरे का पंच, व्हाइट आईज, राउंड मॉडल माशाल्लाह। ये भी अदंत है, अदंत है। असल देखो बेटा, देखो बेटा, देख लो देख लो, क्योंकि ओवरनाइट हो जाता है जी। नहीं नहीं, सही है, अदंत है। ओके,
तो हमको ये दोनों फादर एंड सन ये बेचने हैं हमको, ठीक है? तो आप इसका क्या प्राइस कोट कर रहे हैं थोड़ा बता देंगे लोगों? बड़े के 70 कोट, 70,000 रुपये, सही जी। और इसके 37, इसके 37,000 रुपये, सही। एंड अगर कोई मुंबई से बाहर खरीदता है जी, जैसे फिर गुजरात में या कहीं और, तो ट्रांसपोर्टेशन पॉसिबल होगा? ट्रांसपोर्टेशन तो मैं नहीं करता हूँ, लेकिन जी, मैं कोई सोर्स दे दूंगा जी, खराया तो उसको बर्दाश्त करना, ठीक है? तो शाम जी जो भी ट्रैवलिंग का एक्सपेंस होगा वो जी, जो खरीदेगा ऐसा है कि जहाँ का भी होगा तो वीडियो के ऊपर लेने के बजाय अगर रूबरू होके लेगा, उसके कोई दोस्त है आपको भेजेगा तो ज़्यादा बेहतर। नहीं सही है, देख के लेने में ज़्यादा बेहतर है, अगर वो खुद नहीं आ सका कोई दोस्त है आपको, सही। मैंने इसकी बाकी डिटेल्स भी बता दूं ताकि लोग फिर आपसे वीडियोस ना मांगे इसके। हम इसको चला फिरा के बराबर दिखा देंगे, पर सबसे पहले हम इसकी हाइट और वेट बता दें लोगों, ठीक है? इसका 89 kg इसका वेट, ठीक है? और इसकी हाइट कितनी है? 37, ठीक है? तो ये हमने क्लियर कर लिया, अभी हम इसको थोड़ा यहाँ पर खेल के अथवा चला के ताकि चलने वगैरह में कैसे लोगों को पता चले, ठीक है? तो दोस्तों ओवरऑल जो रिज़ल्ट देखा आपने, एक रिज़ल्ट तो आपके सामने ही है, एंड देन जो रिज़ल्ट आए हैं बाकी वो भी काफ़ी बेहतरीन और नायाब है माशाल्लाह। सो एज अ ब्रीडर अगर कोई ख़रीदता है तो काफ़ी अच्छा रहेगा, अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, इंशाल्लाह दुआ करते हैं हम लोग, क्योंकि ओवरऑल एक ओवरऑल जो प्रेजेंस है बकरे का माशाल्लाह बहुत ही नायाब है, और साथ में जब ऐसा रिज़ल्ट देखने मिलता है तो और दिल खुश हो जाता है। ये तो बात हो गई बकरों की, अभी हम उनको चला फिरा के भी थोड़ा दिखा देंगे नीचे। मैं थोड़ा जानना चाह रहा हूँ ये पीछे सेटअप बनाया है आपने जी, इसके पीछे क्या मोटिवेशन था? और मोटिवेशन जगह की शॉर्टेज हुई जी, लीकेज हुआ तो मैंने नीचे से ये अपने टेरेस पे, मेरा पर्सनल टेरेस है उस पे लाके रखा। सही है माशाल्लाह, बहुत ही अच्छे तरीके से बनाया है आपने, है ना? आपने थोड़ी देर पहले उनकी बात की कि अपनी जात से किसी को तकलीफ ना, सही, अपनी जात से ये कोशिश, छोटी मोटी बू आएगी दादर पे थोड़े कभी बाल गिरते हैं, लेकिन मैंने खुद पर्सनल एक आदमी रखा है जो पूरा स्टेज है, सही। एंड ओवरऑल भी उस जैसे एक अंडुल बकरे में जैसी स्मेल आती है, ऐसा कुछ यहाँ पर महसूस नहीं हो रहा? नहीं महसूस है, वही वजह है कि ये ब्रीड मैंने चुना जी। सो ओवरऑल आपका एक्सपीरियंस है कि पतीरा बहुत साफ सफाई भी अच्छी होती है उनकी? 10-15 साल से बकरियाँ पाल रहा हूँ, लेकिन पदीरा के अलावा जितनी भी ब्रीड्स मैंने देखा मेरे को कोई नहीं। आप इतने साल से पाल रहे हैं, काफी सीखने का विषय हमारे लिए भी, क्या आप ओवरऑल डाइट में क्या चलाते हो इनके लिए? बहुत सारा डिफरेंट डिफरेंट ये देता, फील वर्क जो है जी, चुनी हरी पत्ती और मक्का। ओके, हरी पत्ती आप समझते हैं काफी बेहतर चीज है, ऑल ओवर राजस्थान में वही चलाते हैं लोग? सही है माशाल्लाह। आपने पतीरा हाइट पैड ऐसी बकरियों से इसकी ब्रीड कराई है कि ऑर्डिनरी बकरियों पे भी कराई है? ऑर्डिनरी से भी कराई, जैसे देसी बकरियां होती हैं, जिस किसी जरूरतमंद ने मांगा जी, लेकिन पहले ये बहुत कैप्टिविटी में रखा हुआ था जी, तो कॉमन लोगों के लिए नहीं था जी, अब आने के बाद दो ऑर्डिनरी जानवर से। तो कैसा रिजल्ट आया आपने तो देखा ही होगा? उसका रिजल्ट नहीं देखा जी, फिर लोग उसका रिजल्ट नहीं। सही है। सो मैं आपका नंबर शेयर करना चाहूंगा एंड आपका इंस्टाग्राम आईडी ताकि लोग कनेक्ट कर पाए आप। इंस्टाग्राम आईडी गोट फॉरएवर और नंबर 8104843596। एंड जो भी बताया प्राइजेज आपने, ये थोड़ा बहुत निगोशिएट हो जाएगा, राइट? इंशाल्लाह। एंड जैसे बताया कि अगर आके देख के लेंगे तो वो बहुत बेहतर है, मैं खुश हूं जी। इसके अलावा अगर कोई सही में नहीं आ सकता, कुछ रीजंस है, तो हम यहाँ से ट्रांसपोर्टेशन के एडवाइस कर सकते हैं कि कौन ट्रांसपोर्टेशन करेगा ना। सही। तो हम एक लास्ट में, एक हमारे काफ़ी दोस्त भी आए हैं, चाहूँगा कि एक छोटा सा फोटो जैसा फ्रेम कर ले हम लोग इंशाल्लाह, फिर नीचे जाके इनका भागते दौड़ते वीडियो दिखाएं। बहुत बहुत शुक्रिया पूरी टीम का, आप लोग आए यहाँ पर जमा हुए हमारे लिए माशाल्लाह, काफ़ी अच्छा शौक देखने मिला आज पनवेल में। शाफ साहब एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आपको कैसा लगा थोड़ा प्लीज़ शेयर कीजिए। सबसे पहले तमाम आशिम भाई चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए मैं इंतजार करूँगा, गुजारिश करूँगा, जज़ाकअल्लाह। ये शौक है, ये शौक है, और इतनी उम्र में हमारे सोहेल भाई है, सोहेल नाम है आपका, सोहेल भाई है, और इतनी उम्र में ये शौक कर रहे हैं पतीरे का, और बहुत अच्छा लगा यहाँ पे रख रखाव, और यहाँ के मतलब टेरिस के ऊपर रहने के बावजूद भी इतनी सफाई से रखा गया है, और प्लस मैं बकरे के बदन के ऊपर हाथ रखा हूँ फिर भी इसके बदन से बू नहीं आ रही है,
और माशाल्लाह बहुत प्यारा सा बैंटम वो है, पतीरा है। बैंटम की ज्यादा याद आती है। बहुत प्यारा सा ये जानवर को बहुत पसंद आया है माशाल्लाह। और इनकी एक बात बहुत अच्छी लगी भाई, जो लेने वाला हो शौकीन होगा वो आकर देख कर लेगा तो और अच्छे से वो बात कर पाएगा माशाल्लाह, इसको पसंद आ जाएगा इंशाल्लाह। बहुत खूबसूरत जानवर है माशाल्लाह, अल्लाह इसको अच्छा रखे। सो हम लोग ये वीडियो ख़त्म करने से पहले अब नीचे चलते हैं, ठीक है। और जो टीम आई है प्लीज़ थोड़ा सा सोहेल भाई आपको ही इंट्रोड्यूस करना होगा कि कौन कौन आए आज हमारे यहाँ पर। ये हमारे दोस्त का बच्चा है अहमद भाई। अस्सलाम वालेकुम। आपके पास भी कुछ बकरे हैं शौक के लिए, है ना? थोड़ा शर्मा दे, इट्स ओके भाई। अस्सलाम वालेकुम, आपसे बात करके काफ़ी अच्छा लगा ऑफ द कैमरा माशाल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। जो आज जो शो का के जरिए जो पहुंच रहा है लोगों तक, उसका बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकअल्लाह। और लोगों को ये वीडियो देखने में भी मज़ा आएगी इंशाल्लाह। और जो लेने वाला है, जैसे सुहेल भाई ने रिक्वेस्ट किए कि आके पर्सनली देखो, क्योंकि जानवर का शऊर, जानवर का प्रेजेंस जैसे आपने बताया काफ़ी इम्पोर्टेंट, वो जो लेने वाला है ना वो समझ पाएगा कि चीज़ में क्या ले रहा हूँ। सही। वो ज़्यादा अहमियत की बात है, और उससे क्या है कि शौक भी बढ़ेगा और जानवर जो है ना रूबरू देखने के लिए मिलेगा। सही है, बहुत बहुत शुक्रिया आपके बहुत अच्छे वर्ड्स के लिए माशाल्लाह जी। अस्सलाम वालेकुम अबूजा। अबूजा आपके पास है बकरे? जी है हमारे पास, छोटा सा हमारा भी शौक है माशाल्लाह। कौन सी नस्ल के बकरे रखते हैं? हमारे पास हंसा है जी, एक जिंग बकरी है और एक बैंटम है और बच्चे है तीन। सही है, इंशाल्लाह एक दिन आपका भी देखेंगे हम लोग शौक, और इंशाल्लाह बहुत मज़ा आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, एंड आपका तो बहुत ज़्यादा ही शुक्रिया, आप लाए मेरे को एंड आपने ये पूरा शौक दिखाया, बहुत अच्छा लगा भाई। सो नीचे चलते हैं और इनका एक वीडियो वहाँ ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम।